हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एंड विद जीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। सो इन द सीरीज ऑफ द करेंट इवेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज एंड अदर्स, टुडेज टॉपिक्स विच आई हैव ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू इज रिगार्डिंग द न्यू ऑटोनोमस बॉडी क्रिएटेड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन, विच इज नोन एज बोर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर मेडिकल साइंसेज। तो हम आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो मेडिकल नेशनल मेडिकल कमीशन ने गठित किया है नया, अभी इसका क्या रोल होगा, ये क्या काम करेगा और इसने किसको रिप्लेस किया है। अभी रिसेंटली किया है नहीं, अभी करेगा, मतलब दिस इज़ ओनली अ ड्राफ्ट रूल्स एंड आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट दिस विल बी चेंज्ड। तो इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर मेडिकल साइंसेस, ये जो नया बोर्ड है, ये पांचवा ऑटोनोमस बोर्ड है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसको, नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर इसको रखा जाएगा। अभी एक ड्राफ्ट बिल है, दिस इज ओनली अ ड्राफ्ट बिल विच विल बी फाइनलाइज ओनली आफ्टर गेटिंग अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट द्वारा अप्रूवल होने के बाद ही ये जो है कि एक्टिव होगा। तो ये पहले क्या था, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन हुआ करता था, है अभी जो करंटली हुआ करता था, नहीं है अभी जो नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसका जगह लेगा ये बोर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर इन मेडिकल साइंसेज। तो ये पांचवा बॉडी होगा, ऑटोनोमस बॉडी इसका। इसके अलावा चार और बॉडी हैं जो नेशनल मेडिकल कमीशन के हैं, वो कौन से हैं। सो एक है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, जो कि अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा। दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, जो कि पीजी कोर्सेज के ऊपर फोकस करेगा, उसके एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर ध्यान देगा। तीसरा है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड का काम क्या होगा, जो इंस्टीट्यूशंस है उनका असेसमेंट करेगी कि वो किस तरह की मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस के बेस पे उन इंस्टीट्यूशंस का रेटिंग किया जाएगा। तो ये थर्ड ऑटोनोमस बोर्ड हो गया। फोर्थ ऑटोनोमस बोर्ड जो NMC का है, वो है एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड का फंक्शन क्या होगा कि ये डॉक्टर्स के जो प्रोफेशंस हैं, है ना, व्हाट शुड बी द कंडक्ट ऑफ डॉक्टर्स एज ए प्रोफेशनल, हाउ डॉक्टर हैव टू कंडक्ट देयर बिहेवियर्स एंड देयर प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विद द पेशेंट्स, तो उनके ऊपर ये फोकस रहेगा। यदि किसी का कोई ग्रीवेंस है, कोई इश्यूज है, सो वो इस बोर्ड के थ्रू भी वो अपना वो उसमें लॉन्च कर सकता है अपना ग्रीवेंस को। और ये एक सेटअप स्टैंडर्ड्स सेटअप करने के लिए है, उनका चेकबैक करने के लिए है कि जो डॉक्टर्स होंगे वो कौन से स्टैंडर्ड से, उनका जो एथिक्स होगा, उनका जो बिहेवियर्स होगा, वो किस तरह का होना चाहिए अपने इस प्रोफेशन को कंडक्ट करने के लिए, उससे रिलेटेड होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन होगा डॉक्टरों का, जब डॉक्टर अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, सारे टेस्ट जो भी होता फाइनल टेस्ट पास कर लेंगे, तो उनका जो है कि रजिस्ट्रेशन जो होगा वो इसी बोर्ड के द्वारा होगा और यहाँ से फिर वो रजिस्टर्ड डॉक्टर कहलाना शुरू कराएंगे। तो ये फोर्थ बोर्ड हो गया। एंड फिफ्थ बोर्ड इज दिस वन, द बोर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द मेडिकल साइंसेज, ये पांचवा बोर्ड हो गया। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि पांच बोर्ड हैं जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर में आते हैं और इन्हीं सारे बोर्ड के बेस पे नेशनल मेडिकल कमीशन अपना काम करता है। अभी जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन मेडिकल साइंसेज हैं, ये कौन कौन से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे इनके बारे में जानते हैं। ये एक तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो अभी की शेड्यूल्ड हुआ है 2023 से 2024 से तक एक्सटेंड किया गया है,
तो नेक्स्ट एग्ज़ाम अभी इस साल से शुरू होगा, तो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे ये बोर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर इन मेडिकल साइंसेज, ये इसको कराएंगी। बट अभी जब तक ये फाइनलाइज नहीं होता है बिल, अभी एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक इस काम को कराने के लिए जो नेशनल मेडिकल कमीशन का एक दूसरा वो नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है वो अभी कराएगा, जो कि करंट में चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 2024 से ये इस चीज़ को भी टेक ऑफ कर लेगा। इसके साथ ही इनको और क्या क्या काम दिया गया है वो है, एक तो जो नेक्स्ट हो गया, फिर एक होता है जो फॉरेन में हमारे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट जो फॉरेन से मेडिकल की डिग्री लेके आते हैं और वो इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे होता है। उस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने के बाद ही फॉरेन ग्रेजुएट्स, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इंडिया के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक वो पास नहीं होंगे वो यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो भी अभी इन्हीं को हैंड ओवर किया जाएगा, मतलब ये जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन मेडिकल साइंसेस है यही कंडक्ट कराएंगी। इसके साथ जो और भी सुपर स्पेशलिटीज़ या जो है फेलोशिप स्कीम्स हैं एक्सेट्रा, या जो आप कह सकते हो डिप्लोमा या डिप्लोमेट्स एक्सेट्रा, जो कुछ भी इंस्टीट्यूशंस अभी प्रोवाइड कराएंगे स्टूडेंट्स को, उन सारों को एक्रीडेशंस मतलब कि मान्यता देने का काम भी यही बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन मेडिकल साइंसेज ही करेगा। कहने का मतलब कि जो भी डिग्री एडिशनल डिप्लोमाज या फेलोशिप वगैरह कुछ भी इंस्टीट्यूशन देती हैं उनको भी मान्यता अब यही बोर्ड देगा। तो ऐसा प्रोविजन्स यहाँ पे किया गया है। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया इसमें नेक्स्ट का, तो ये नेक्स्ट क्या होता है एक्चुअल में, अभी तक इंडिया में नेक्स्ट का शुरुआत नहीं हुआ है। अभी इंटर्नशिप बेस पे ही डॉक्टर्स को रजिस्टर कर लिया जाता था और उनको जो है कि एक डॉक्टर की मान्यता मिल जाती थी, लेकिन अभी आगे से ऐसा नहीं होगा। अभी इंटर्नशिप के साथ साथ एक डॉक्टर्स को अभी नेक्स्ट का एग्ज़ाम भी पास करना होगा। नेक्स्ट में क्या होता है, नेशनल एग्जिट टेस्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट के द्वारा, नेक्स्ट में दो तरह के टेस्ट होंगे हर एक डॉक्टर्स का, एक होगा पेपर वन जो इसको स्टेप वन बोलते हैं, दूसरा पेपर टू इसको स्टेप टू बोलते हैं। पेपर वन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जो कि सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये थ्योरेटिकल होगा पूरा, इसमें थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पेपर टू जो होगा वो होगा आपका प्रैक्टिकल, इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट आपका होगा। और एक डॉक्टर्स बनने के लिए अभी इन दोनों टेस्ट को पास करना कंपलसरी है। इन दोनों टेस्ट के साथ साथ इंटर्नशिप, ये दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है कि एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हो पाएंगे, तभी आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन एज ए डॉक्टर हो पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे पहले ये नहीं लागू हुआ था, लेकिन अभी जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने के लिए, मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को और बूस्टअप करने के लिए, वर्ल्ड लेवल का बनाने के लिए, ताकि कोई भी ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना स्टार्ट करें, इलीगल मेडिकल प्रैक्टिसेस ना स्टार्ट करें, या जो है कि कुछ और ऐसी अनऑथराइज चीज़ें ना करें जिसकी वजह से कि एक आम नागरिक को, एक पेशेंट्स को सफ़र करना पड़े, उनके साथ कुछ मतलब ऐसा चीज़ हो सके जो कि नहीं होना चाहिए। सो टू सेव द लाइफ्स ऑफ पीपल्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स शुड बी अटमोस्ट लेवल। सो टू इंश्योर दिस पर्टिकुलर इशूज इट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड नेक्स्ट एग्जाम्स फ्रॉम द दिस ईयर ऑनवर्ड्स, सो दैट देयर शुड बी ए स्टैंडर्ड ऑफ डॉक्टर्स हु इज गोइंग टू बी अथराइज्ड बाई द नेशनल मेडिकल कमीशंस ऑफ इंडिया। तो इसलिए नेक्स्ट का इनाग्रेशन अभी इस साल से शुरू हो जाएगा और इसका होगा। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैं बताना चाह रहा था कि अभी जो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और इनका जो है अभी क्या क्या नए नए चेंजमेंट हो रहे हैं इनके बेस्ड पे। अभी ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया मिला होगा इसके बारे में कि
कि अभी क्या चल रहा है अपना मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड इंडिया के अंदर। तो आगे और भी ऐसी चीज़ों को जानने के लिए इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।